हरे कृष्णा फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगी जगन्नाथ जी हाथी विष क्यों धारण करते हैं। एक ब्राह्मण था, उसका नाम था गणपति भट्ट। वो रोज शास्त्र पढ़ता था। एक दिन पढ़ते पढ़ते उन्होंने ये पढ़ा कि जगन्नाथ पुरी में नीलाचल धाम में भगवान निवास करते हैं। तो बहुत हैप्पी हो गया। उसने बोला, ये मुझे भगवान के दर्शन मिलेंगे, मुझे भगवान के दर्शन मिलेंगे। तो वो अपनी फैमिली वैमिली दोस्त वो सब कुछ छोड़ के गया। कैसे गए पता है? ट्रेन में गए नहीं, बस में गए नहीं, बाइक में गए नहीं, स्कूटर में गए नहीं, साइकिल में गए नहीं, गाड़ी में गए नहीं। पहले जमाने में कुछ व्हीकल्स ही नहीं था, इसलिए वो पैदल चला गया। जब ही वो पूरी पहुंच गया, उस दिन स्नान यात्रा था। आपने मेरी स्नान यात्रा वाली वीडियो देखी? अगर नहीं देखी तो फटाफट देख लियो। गणपति पर बहुत हैप्पी हो गया। तो वो दर्शन करने वाला था, वो सैड हो गया, क्योंकि वो सोचा कि ये तो भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि उनके सूंड नहीं है, उनके तो सूंड रहते हैं। वो फिर वो सैड हो गया था, फिर वो जा रहा था। भगवान जगन्नाथ एक पंडित को बुलाए, उन्होंने उनको एक मैसेज दिया। फिर ना वो मैसेज पंडा उसके पास ले गया, गणपति भट्ट के पास, और बोला कि आप जैसे ही प्रणाम करोगे तो आपको अपने भगवान जी दिख जाएंगे। जैसे ही प्रणाम करके उठा गणपति भट्ट, तो पता है क्या हुआ? मैजिक हो गया। जगन्नाथ बलदेव हाथी वेश धारण कर लिए, मतलब हाथी जैसे सूंड, हाथी जैसे दांत, हाथी जैसे ईयर्स। देखो भगवान जगन्नाथ कैसे भक्तों की इच्छा पूर्ण करते हैं। गणपति बहुत हैप्पी हो गया ये देखकर, ये बोलने लगा, नाचने लग गया। और उस दिन से आज स्नान यात्रा को आपको स्पेशल ड्रेसिंग मिलता है, हाथी वेश या गजा वेश। गजा वेश इसलिए कहते हैं क्योंकि गणपति पप्पा के भी सूंड होते हैं, ईयर्स होते हैं, टस्क होते हैं, वैसे जगन्नाथ जी के भी होते हैं। हरे कृष्णा।